अस्सलाम वालेकुम सानी की दुनिया में वेलकम। आज हम बनाएंगे लाहौरी मटन कढ़ाई। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके? तो मटन लिया है मैंने यहाँ पे 1/2 kg, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1/1 tablespoon, और मसालों में मेरे पास है यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें 1 tablespoon, 1/2 tablespoon पिसी हुई काली मिर्चें, 1/2 tablespoon धनिया पाउडर, नमक हसबे ज़ायका यूज़ करेंगे, और कुटा हुआ ज़ीरा यूज़ करेंगे 1/2 teaspoon। यहाँ पे मैंने दही ली है, इसका 2 tablespoon यूज़ करूँगी, ऑयल यूज़ करूँगी एज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े टमाटर हैं, अगर आपके पास मीडियम साइज़ हो तो आप 4 टमाटर लीजिएगा। हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद। अदरक इसको मैं कट करके ऊपर से गार्निश करूँगी, और हरा धनिया भी गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। तो चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुकर ले लेंगे, और कुकर में हम शामिल करेंगे ऑयल। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करने के बाद मटन शामिल कर देंगे, और मटन शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून। कुकर में हमने 1/2 टेबल स्पून शामिल करके कुक करना है, बाकी 1/2 हम कढ़ाई में जब भुनाई करेंगे जब यूज़ करेंगे, ताकि जो महक होती है मटन की वो निकल जाएगी, इस तरह अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई से निकल जाती है। वो भुनाई के बाद देखें ये कलर चेंज हो चुका है मटन का। इसमें हम शामिल करेंगे पानी, 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और अब मैं लिड लगा दूंगी कुकर में। 30 से 35 मिनट तक मैं इसको कुक करूंगी मीडियम लो फ्लेम पे, और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करूँगी। तो मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद। ये देखिए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, अब हम लिड खोलते हैं कुकर की। प्रेशर हमने निकाल दिया इसका, और अब देखते हैं कि ये कितना गल चुका है। 90% हमारा गोश्त गल चुका है, चेक कर लेते हैं। 90% गल चुका है, और अब हम इसको गलाएंगे। जो 10% रह गया वो कढ़ाई में गलाएंगे। तो यहाँ कढ़ाई ले ली है, और ऑयल शामिल कर दिया है 1/2 कप। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी 1/2 टेबल स्पून जो हमने बचाया था। अच्छे से खूब भुनाई कर लेंगे अदरक लहसुन की, सौते कर लेंगे, और सौते करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे मटन बॉयल किया हुआ, और ख़ूब भुनाई कर लेंगे अदरक लहसुन के साथ। और जो यखनी हमारी कुकर में थी बनी, उसमें शामिल कर लेते हैं मटन में, और ऊपर से हम जब बॉयल आने लगेगा तो इस तरह टमाटर कट करके थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ से कट करके इस तरह रख देंगे, और कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं, और छिलके जो टमाटर के हैं वो हम इजीली निकाल सकें। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें बहुत इजीली इस तरह टमाटरों के छिलके उतर जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरा जो टमाटर है उसके भी छिलके उतार लूँगी, और अब हमने जो टमाटर गलाए हैं हाफ डन किए हैं, इनको इस तरह प्रेस कर देंगे, और ख़ूब भुनाई कर लेंगे, और पानी को भी जो हमारी जो यखनी है उसको भी अच्छे से हमने भून लेना है। तेज़ आंच में हमने भुनाई करनी है, ताकि जो पानी और या यखनी जो है हमारी वो सोख हो जाए। कवर कर देंगे तेज़ आंच पर, इस तरह और जल्दी सोख हो जाएगी। लीजिए हमारे जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं, अब मसाले शामिल कर देंगे। सारे मसाले हमने शामिल कर देने हैं सिवाय पिसी हुई काली मिर्चों के, पिसी हुई काली मिर्चें हम आखिर में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हम भुनाई करेंगे, और भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही 2 टेबल स्पून। दही शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, जब दही का पानी सूख जाएगा यानी सोख हो जाएगा भुनाई करने के बाद। और ये जो काली मिर्चें पिसी हुई थी अब शामिल कर दी हमने, और अब हम कर लेते हैं डिश आउट 1 मिनट की भुनाई के बाद। 1 मिनट की खूब भुनाई के बाद हमने जो मटन है हमारा वो डिश आउट कर लेना है,
ऊपर से हरी मिर्चें और हर धनिया और अदरक का जो चॉप किया है वो सब शामिल करके सर्व कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।